नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू लिया, जहां उन्होंने पीएम मोदी से राजनीतिक सवालों को छोड़कर उनकी निजी जिंदगी से जुड़े तमाम अनसुलझे पहलुओं को टटोलने की कोशिश की। खिलाड़ी कुमार ने पीएम से सवाल किया कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और सोचा था तो कब सोचा था। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था? और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूँगा? कभी ऐसा विचार नहीं आया। अच्छा, और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है। शायद जो बन जाते हो सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई। क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गाँव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसे ही यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया तो अपने आप ही बनते चले गए। सब कुछ जिम्मेवारी आती गई, बहुत ही मतलब नेचुरली रहा है इसमें। वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है। ओके। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी दुनिया, आज की जो राजनीति का तौर तरीका उसमें ये सब बैठता ही नहीं है जी।